हेलो दोस्तों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो वहां पे पढ़ा था कि अगर मान लो कि अगर इस फंक्शन का पीरियड ए है, तब लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका कितना होता था? 1/(1 - e^-as) इंटू 0 से लेकर के a तक, और e^-st f(t)dt। ये था, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में एक एग्जांपल लिया था। ऐसे ही एक एग्जांपल और देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इवेलुएट लाप्लास, हमें क्या निकालना है? लाप्लास निकालना इफ f ऑफ t हैज अ पीरियड ऑफ 2π। इसके पास पीरियड कितना है? 2π एंड इज गिवन बाय f ऑफ t की वैल्यू जो दी हुई है वो कहाँ से कहाँ तक? साइन t। लेकिन ये साइन t कब तक? जब टी की वैल्यू 0 से तो बड़ी है लेकिन पाई से छोटी, और पाई से बड़ी और 2π से छोटी होने में इसकी वैल्यू कितनी है? 0, ठीक है। तो अब हमें पता है कि लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होगा? 1 upon e^(1 - e^-as) ए की जगह कितना हो जाएगा? 2π। ए की जगह कितना हो जाएगा? 2π। और कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 2π f(t)dt। हाँ, 0 से लेकर के 2π, और e^(st)f(t)dt। अब इतने को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इतने को अलग से सॉल्व करते हैं। देखो, 0 से 2π क्या है? 0 से लेकर के 2π e^(-st) और f(t)dt। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इसको मैं लिख देता हूँ 0 से π, और 0 से π तक भर में क्या लिखा था? एफ टी की जगह पे साइन, 0 से π की जगह पे यहाँ पे एस टी कितना था? साइन टी, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी। अब पाई से लेकर के 2π तक क्या था? e^(-st) इंटू में 0। यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा? 0 से π e^(-st) sin t dt, और ये वाला खत्म हो जाएगा। तो याद करो, मैंने एक फॉर्मूला पहले भी बता रखा है कि अगर कभी भी ऐसा लिखा हो 0 से a तक, या कुछ भी लिखा हो a से b तक, हाँ a से b तक, या मतलब कि कभी भी ऐसा हो फॉर्मूला e^(ax)sin(bx)dx, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था? बताया था e^ax a sin bx - b cos bx / a² + b², ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूले की जगह पे a की जगह कितना है? a की जगह पे अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, a की जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? -s। a की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? -s। a की जगह कितना दिखाई दे रहा है? -s। तो ये हो जाएगा e^(-st), और a की जगह पे -s sin bx। b की जगह पे कुछ नहीं था t, माइनस b की जगह पे 1 ही था, और क्या कहते हैं कि क्या हो जाएगा? cos t / a² मतलब -s² + 1, कहाँ से कहाँ तक हो गई है? 0 से π, 0 से π तक, क्लियर है। तो देखो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, अब इसको बड़े आसानी से हम ऐसे लिख देते हैं e की पावर में माइनस, अच्छा ये s की जगह पे पाई रखूंगा या t की जगह?
टी की जगह पर रखना पड़ेगा ना, पाई माइनस एस साइन पाई माइनस कॉस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन माइनस ई के पावर में एस इंटू में जीरो माइनस एस साइन जीरो माइनस कॉस जीरो अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। तो देखो ये क्या हो जाएगा, पावर माइनस एस पाई। यहाँ से साइन पाई की वैल्यू तो जीरो ही होती है, ये वाला पूरा टर्म जीरो, ये वाला पूरा पूरा टर्म जीरो, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है जीरो, ये पूरा पूरा टर्म जीरो। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, ठीक है। और ये थे माइनस, इतने का आंसर कितना हो जाएगा वन, इतने का आंसर कितना हो जाएगा वन, ठीक है वन हो गया। ये भी क्या हो जाएगा जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू होती है हाँ, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन होती है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन होती है, तो उसकी भी वैल्यू रख लिया यहाँ। यहाँ पे देख वन इंटू में जीरो माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। तो देखो सीधा सीधा आ गया ई पावर माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे ये भी प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, यानी कि आ गया वन प्लस में ई की पावर माइनस एस पाई अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन, क्लियर है। ये तो किसकी वैल्यू आई, ये आई है जीरो से लेकर के टू पाई हाँ, जीरो से लेकर के टू पाई एफ ई के पावर में माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन वन में रख देंगे। इक्वेशन वन क्या था, इक्वेशन वन था वन अपॉन ये वन अपॉन वन माइनस ई की पावर में माइनस टू पाई एस, यानी कि अगर जब हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन वन में रखें तो यानी कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन माइनस ई की पावर माइनस टू पाई एस इंटू में वन प्लस ई की पावर में माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अगर देखा जाए इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन वन माइनस ई के पावर में माइनस पाई एस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू में वन प्लस ई की पावर में माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखो इसको मैं वन का स्क्वायर लिख दूंगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, इसको वन अपॉन वन माइनस ई की पावर माइनस पाई एस लिख दो, और इंटू में वन प्लस ई की पावर माइनस पाई एस, और इंटू में वन प्लस ई की पावर माइनस पाई एस एस स्क्वायर प्लस। तो ये क्या हो गया कैंसिल, ये क्या होता है कैंसिल हो गया, हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ गया लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस ई की पावर माइनस पाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में आंसर, यहाँ तक क्लियर। तो अब हम एक नया तरीका सोचते हैं और एक नया चीज सीखते हैं, इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स। क्या देखते हैं, इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स को कैसे इवेल्युएट करते हैं। ये इवेल्युएशन लाप्लास निकालने से अलग होता है, ठीक है। इवेल्युएशन देखो, अगर मान लो इफ लाप्लास ऑफ एफ टी, अगर मैं मानता हूं कि लाप्लास ऑफ एफ टी जो होता है वो है एफ ऑफ एस, अगर एफ ऑफ एस है देन, अगर मान लो कि मैं जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी तक ई के पावर माइनस एस टी डी टी एफ ऑफ टी डी टी, ये क्या होता है, इसको हमने पहले ही पढ़ा था एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस होता है, यही तो हमने बताया था कि इसकी जगह पे ये लिख सकते, डेफिनेशन बताया था। अगर मैं दोनों साइड की लिमिट लूँ, दोनों साइड की क्या करूँ लिमिट लूँ, ठीक है, टेकिंग द लिमिट
बोथ साइड, दोनों साइड की लिमिट लेता हूं इस इक्वेशन की, ऑफ वन। और कैसे, जब एस ए की तरफ बढ़ रहा होगा, एस ए की तरफ बढ़ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू ए, और ये हो जाएगा 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर मैं इधर भी लिमिट एस टेंडिंग टू ए लिखूं एफ ऑफ एस, तो देखो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई के पावर में माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें कैलकुलेट करना होगा तो ये हो गया, इसी को बोलते हैं इवेल्युएशन। इवेल्युएशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं किसी भी इंटीग्रल को, ये ध्यान रखना है। ये लाप्लास से थोड़ा सा अलग है, लेकिन हाँ हालांकि इसको हम लाप्लास की सहायता से कहेंगे। इसे सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर वन। हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है 0 to infinity t इंटू e के पावर -2t cos t, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, e की पावर -2t cos t। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं लाप्लास ऑफ कॉस टी। लाप्लास ऑफ कॉस टी क्या होगा, तो लाप्लास ऑफ कॉस ए टी याद करो तो बताया रखा है फॉर्मूला कॉस ए टी का, क्या बताया था, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में वन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, यही एफ एफ एस, ये हो गया एफ ऑफ एस। तो लेकिन लाप्लास ऑफ टी कॉस टी, टी कॉस टी, टी कॉस टी निकालने के लिए, यानी कि अगर मैं लाप्लास ऑफ एफ टी है, इसमें मैं टी से मल्टीप्लाई करता था, इसमें जब मैं टी से मल्टीप्लाई करता था तो हमारे पास में क्या, एक टी से मल्टीप्लाई करने पे -1 डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस होता था क्या, ठीक है। तो यानी कि -1 माइनस डी बाई डी एस ऑफ क्या हो जाएगा, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन। क्योंकि अगर मैं टी से मल्टीप्लाई करता हूँ, जितनी बार टी से मल्टीप्लाई करता हूँ उतनी बार उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। अब यहाँ पे डिवाइड रूल लगा लो, डिवाइड रूल क्या होता है, माइनस ये तो रहेगा ही रहेगा, डिवाइड रूल ये नीचे का तो स्क्वायर हो जाता है एस स्क्वायर प्लस वन, इसको लिख लेते हैं एस स्क्वायर प्लस वन डी बाई डी एस ऑफ एस माइनस फर्स्ट टर्म लिख लो डी बाई डी एस ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना था एस स्क्वायर, यानी कि लाप्लास ऑफ टी कॉस टी कितना आ जाएगा, माइनस एस स्क्वायर प्लस वन माइनस यहाँ पे एस, इसका कितना हो जाएगा 2s, कितना आ जाएगा 2s, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन माइनस 2s² अपॉन में एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी कि लाप्लास ऑफ टी कॉस टी कितना हो गया, टी कॉस टी। ये देखो ये क्या हो जाएगा, इसको एक बार और लिख दो, माइनस एस स्क्वायर प्लस वन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर -1, इस माइनस को अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया तो एस स्क्वायर -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये क्या है, लाप्लास ऑफ टी कॉस टी, लाप्लास ऑफ टी कॉस टी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए ई के पावर -8, क्या चाहिए, 0 to infinity ई के पावर -8t, ए टी मतलब यहाँ पे एस टी, ठीक है, ई के पावर -s t, और यहाँ पे क्या कहते हैं टी कॉस टी, टी कॉस टी होता डी टी इक्वल टू, हाँ यहाँ पे कितना आ गया एस स्क्वायर, एस स्क्वायर -1 अपॉन
एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। ये तो आ गया लाप्लास, हाँ डेफिनेशन की, इसके थ्रू आ गया डेफिनेशन की। अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था यहाँ पे एस नहीं था, वहां पे चाहिए टू, यहाँ पे क्या चाहिए टू, तो लिमिट ले लो, लिमिट एस टेंडिंग, जब लिमिट एस टेंडिंग टू टू, तो 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी टी कॉस टी डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस लिमिट एस टेंडिंग टू टू एस स्क्वायर माइनस वन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टू टी, और ये हो जाएगा टी कॉस टी डी टी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 3, और ये 4 प्लस 1 मतलब 25, 4 प्लस 1 मतलब 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया, हमारे पास जो आंसर आ गया कितना आ गया, 3/25। क्लियर है, ऐसे हमें यहाँ पे इवेलुएट करना, ऐसे इवेलुएट करने के लिए पूछा जा सकता है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, और हमें निकालना है टी ई के पावर माइनस टी साइन टी डी टी, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी साइन टी, तो लाप्लास ऑफ साइन टी कितने होते हैं, लाप्लास ऑफ साइन टी कितना हो जाता है, 1/1 एस स्क्वायर प्लस 1/1 में ये हो जाएगा, यानी कि यही क्या हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया, यही हमारा क्या हो गया एफ ऑफ एक्स हो गया। और सिंपल, अब इसके बाद कुछ दिया भी नहीं है, ये सीधा लिखा हुआ ई की पावर माइनस टी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी, हाँ, और ये क्या हो जाएगा साइन टी, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ रखा है 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू, में हम लिखते हैं ना लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, यही तो लिखते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, हाँ, तो यही होता है यहाँ पे, जो यहाँ पे होता है तो यही यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा डी टी इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/s² + 1। अब हम क्या करते हैं कि लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू वन, दोनों साइड ले लेते हैं लिमिट एस टेंडिंग टू 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी इंटू में साइन टी डी टी इक्वल टू 1/s² + 1, इधर भी ले लो लिमिट एस टेंडिंग टू वन, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा एस टेंडिंग टू वन। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर में माइनस टी साइन टी डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे ही ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये है इवेलुएशन ऑफ इंटीग्रल्स, इवेलुएशन ऑफ इंटीग्रल्स वगैरह हमने देख लिए, ठीक है, यहाँ तक हमने ये सारी चीजें देख ली। एक प्रकार से हमारा ये लगभग लगभग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो होगा वो होगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया समझ में आया होगा, और जो भी नहीं समझ में आया होगा और जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उस पर वीडियो बनाते हैं, ओके।